टू फाइंड दिस हिडन जेम इन गुड़गांव। कैमरा गियर्स हमारे तैयार हैं, अपनी कमर की पेटी और जूतों के लेसेस बांध लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर एडवेंचर जर्नी टू एक्सप्लोर दिस हिडन जेम इन गुड़गांव। Hey guys, what's up? तो भाई कैसे आप सब लोग। रिसेंटली यार हमें पता चला दैट देयर इज अ लेक इन द आउटस्कर्ट ऑफ गुड़गांव और ये काफी एक अनएक्सप्लोर्ड सी प्लेस है। तो सिंस इट्स इन गुड़गांव तो आज हम निकल लिए हैं इसी लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। और बाकी आज हमारी जर्नी में हमारे साथ रहेंगे मिस्टर यूटी, आप देख रहे हैं ही इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू गो ओवर देयर। तो भाई आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और ज्वाइन कीजिए इस एडवेंचर जर्नी पे एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस हिडन जेम इन गुड़गांव। जैसे जैसे हम सिटी की भीड़ भाड़ से दूर आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही भाई हमारी जो एक्साइटमेंट है इस हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने की वो भी इंक्रीज होती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि लैंडस्केप एकदम से चेंज हो गया है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, पूरा ऐसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के बीच में से हम निकल रहे थे एंड देन सडनली एक पूरा ऐसा खुला इन्वायरमेंट में हम आ गए हैं। ये जो गांव के छोटे छोटे और बढ़िया से प्यारे से रस्तों पे हम आ गए हैं तो ये भी हमारी एक्साइटमेंट को और इंक्रीज करते जा रहे हैं। और हम अभी लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है अपनी इस हिडन लेक से। बाय द वे अगर इसकी थोड़ी डिटेल बताएं तो ये लेक ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स दूर है गुड़गांव से एंड अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो लगभग 70-80 किलोमीटर्स दूर आपको ये लेक पड़ेगी। और वहाँ पे जाके ही आपको इस लेक की डिटेल्स बताते हैं, देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हम लेके आए हैं कि जो हमने इमेजेस देखे हैं इंटरनेट पे क्या वैसी है ये लेक। और बाकी जो भी डिटेल्स होंगी हम आपको वहीं पे ही जाके बताते हैं। लेकिन हम तीनों में से जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है मिस्टर यूटी। ये इतनी देर हो गया हमने लगभग 40 किलोमीटर कवर कर लिया है और ये भाई अभी तक बैठा नहीं है। ये इतना एक्साइटेड हो रहा है कि आज इतनी लंबी जर्नी पे हम जा रहे हैं तो क्या ही करके आएंगे, कहाँ कौन सी ही जगह जा रहे हैं। तो ये भाई अपना अलग ही एक्साइटमेंट में है। यूटी घूमने जा रहे हैं, इसको भी भाई इसका भी बड़ा मन करता है घूमने का। ये भी बहुत शैतान है और पूरा इसको भी पूरे मजे चाहिए घूमने के तो इसको भी हमें ऐसी शॉर्ट ट्रिप पे लेके जाना पड़ता है। नोट पीछे यारियां नु वड देनी होने चर्चा जी लगी नाम हम सुन जो तेरा ना। एक झील है ना इस वाले रोड पे, सीधा गाड़ी चली जाएगी आगे तक। अच्छा खड़े करके गाड़ी आगे जा सकते हैं तो इस रोड पे सीधा चले जाए। चल ठीक है भाई, थैंक यू। ये गांव का नाम क्या है? खोड़ जमालपुर। ओके भाई। छोटू वो यहाँ से वहाँ लेक जाना है जो यहाँ एक झील है ना, झील अच्छा गाड़ी वहाँ के खड़ी कर दे। चलो अब यहाँ से शुरू हो जाती है ऑफ रोडिंग। अब यहाँ पे पूरे रोड खत्म हो चुके हैं और गांव जो यहाँ पे था वो हमने क्रॉस कर लिया है और हम सीधा सीधा जाते हैं सीधा लेक की तरफ। यहाँ से थोड़ी दूर हो रहा है, आपको ये गूगल मैप पे भी रास्ता मिलेगा नहीं। अगर आप ऐसा ढूंढने जाओगे गूगल मैप पे तो वो भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाएगा। सो बेटर है कि आप यहाँ पे गाँव में पहुंच जाओ और गांव के लोगों से आप पूछ लो, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे झील के रास्ते की तरफ। तो यहाँ पे भाई हमारी गाड़ी की थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। सो इट्स क्वाइट अ एडवेंचरस ट्रिप। वाह भाई वाह, ओहो हो, और भाई ये पहाड़ तो आ गए हैं। वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर। ये पूरा झाड़ियों के बीच से निकल के हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और जिस चीज के लिए इतनी दूर से आए हैं वो बस आने ही वाली है, दैट हिडन जेम, हिडन प्लेस यू कैन से। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। लेक देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली दी मैन मेड लेक्स, क्योंकि यहाँ पे आप जो ये पीछे पहाड़ देख रहे हैं ये सारे कटे हुए पहाड़ है पूरा एक दीवार की तरह, क्योंकि यहाँ पे पहले इन पहाड़ों को काटा जाता था बट आफ्टर डिक्लेयरिंग दीज इलीगल
तो यहाँ पे इन चीज़ों को बंद कर दिया पहाड़ काटने को, एंड उससे बन गया ये लेक। जो भी बारिश का पानी है वो सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है और ये एक बेहतरीन सी सीनिक सी एक जगह बन गया है, जो कि बिलीव नहीं होता बट यस इट्स नियर टू गुड़गांव, इट्स इन द आउटस्कर्ट ऑफ गुड़गांव। वोट बिलीव के यार ऐसी जगह गुड़गांव के आउटस्कर्ट में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि काफी अच्छी थी लेक, पानी भी साफ था, और सेंस आज मौसम तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हो रहा है, कभी धूप हो रही है कभी छाव हो रही है, बट अगर रेनी सीजन हो या मौसम अच्छा हो तो भाई दिस इज द बेस्ट प्लेस आई थिंक इन गुड़गांव, जहाँ पे आप एक आउटिंग कर सकते हैं एंड कैंपिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। सो ओवर एंड ऑल भाई एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारा, बट वहाँ पे कुछ हमें लोकल बच्चे मिले जो थोड़ी बहुत बदतमीजी कर रहे थे, बट एज सच कोई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। हाँ एक रास्ते का हो सकता है कि रास्ते में थोड़ा सा आपको गाड़ी ले जाने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ था, बट उसके अलावा तो हमें कोई इश्यू नहीं हुआ।